नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि पाना चाहते हैं तो आप यह खबर जरूर पढ़ें, जरूर देखें। इस योजना को पाने के लिए आपको सबसे पहले EKYC करना होगा। इसके बिना आपकी किस्त कभी भी अटक सकती है। ऐसे में अब सरकार ने इस योजना के लिए EKYC अनिवार्य रूप से तय कर दिया है। अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो आपकी अगली किस्त लटक जाएगी। कुछ दिन पहले EKYC को होल्ड पर रखा गया था, लेकिन अब EKYC का पोर्टल खोल दिया गया है। मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए EKYC आधार अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ पोर्टल पर यह भी कहा गया है कि आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में EKYC विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क करें। वैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाएंगे। जब आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो इसके दाएं हाथ के साइड में आपको एक टैब दिखेगा जो कि सबसे ऊपर में होगा। वहाँ पे EKYC लिखा मिलेगा, आपको उस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और एक इमेज कोड वहाँ पे डालकर सर्च बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें और इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। आपको अपना OTP फिल करना होगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा तो EKYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ पे सीधा इनवैलिड लिखा होगा। अगर यह इनवैलिड हुआ तो आपकी किस्त लटक सकती है, यानी कि EKYC की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी नहीं हुई। जब तक EKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, पीएम किसान निधि से जो राशि अगली किस्त जो आनी है उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर यह आपसे नहीं हो रहा है तो अब आप आधार सेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पे आप इस पूरी प्रक्रिया को ठीक तरीके से करें ताकि आपकी जो अगली किस्त है वो वहाँ पे आ सके। पीएम किसान निधि का लाभ पाने वाले परिवार में अगर कोई टैक्स पेयर है, जैसे कि परिवार का आशय पति पत्नी और अवयस्क बच्चे से है, जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों से कर रहे हैं। बता दें कि बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम भी तो करते ही हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, अगर खेत उसके पिता या फिर दादा के नाम पर है, अगर कोई खेत किसी या फिर ज़मीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या फिर रिटायर्ड हो चुका है, मौजूदा या फिर पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनके परिवार के लोग, कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10,000 रुपये महीने की अधिक से पेंशन मिलती है तो वह पीएम किसान निधि का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो एक तरह से कह लें कि यह जो राशि है पीएम किसान निधि की जो राशि है वैसे किसानों को दी जा रही है जिनकी जो है वो कोई सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन वो किसानी का काम कर रहे हैं और ऐसे समय किसानी के समय में जो है उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वो ऐसे किसानों को जो है पीएम सम्मान निधि के तहत जो है यह राशि मुहैया की जाती है ताकि जो है वो अपनी कृषि के आजीविका जो है वो पूरी तरह से पूरा कर सके। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार इन सब पीएम किसान निधि को लेकर अपडेट जारी करती रही है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।